दोस्तों अगरवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर एंड्रॉयड फोन की बैटरी बैकअप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, जो बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड यूजर है जो बैटरी बैकअप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और अभी भी परेशान रहते हैं। यानी दोस्तों अपने स्मार्टफोन के अंदर 100% बैटरी को चार्ज कर देते हैं और लेकिन आप कुछ मिनट के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को यूज करते हैं या कुछ गेम को आप खेलते हैं और गेम को खेलते खेलते अचानक आपके मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है और आप इससे परेशान रहते हैं कि मेरे मोबाइल की बैटरी इतनी जल्दी क्यों डाउन हो गया। दोस्तों आपके मोबाइल की बैटरी इसलिए अचानक डाउन हो जाता है वो आपकी गलती की वजह से, क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसी सेटिंग होती है जिससे कि आपके मोबाइल की बैटरी जो है बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप यूज कर सकते हैं। कितने भी एप्लीकेशन को यूज करें, कितने भी गेम को यूज करेंगे, फिर भी आपके मोबाइल की बैटरी चलता ही रहेगा, डाउन नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद सेटिंग को ऑन करके रखता हूं, इससे मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता रहता है। दोस्तों जानना चाहते कमाल की सेटिंग के बारे में, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको इसी चीज के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बैटरी बैकअप को बचाने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा। लाइक करने के बाद दोस्तों नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक कमेंट होगा, लिखना होगा। चलिए मैं आपको बता देता कौन सा कमेंट लिखना होगा। दोस्तों यहाँ पे कमेंट लिखना हो बैटरी बैकअप, ये दो काम कर लेते तो आपके मोबाइल की बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो उसके बाद क्या करना होगा, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ और इससे कैसे बैटरी बैकअप बचेगा। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे को मिल जाएगा बैटरी। अगर आपके फोन के अंदर बाहर सेटिंग के अंदर बैटरी नहीं मिलता है तो यहां पे आप सर्च कर लीजिए। तो यहां पे आपको बैटरी सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद इस तरह से सेटिंग आ जाएगा। जैसे सेटिंग आने के बाद दोस्तों यहां पे देख रहे हैं कि इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसे सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों मैंने अभी अभी यह सेटिंग को बंद कर दिया हूं। जैसे मैंने बंद किया हूं तो यह दो एप्लीकेशन यहां पे रनिंग में चलने लगा। जी हां, और यह रनिंग में फालतू का चलता रहता है जो मुझे काम भी नहीं है इस एप्लीकेशन का, फिर भी इस मोबाइल के अंदर जो बैटरी परसेंटेज है 2, 3, 5, 10, 20, 50 ऐसे परसेंटेज लेता रहता है पर आवर। जी हाँ, तो इसको कैसे बचाना है, बैटरी बैकअप को कैसे बचाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस सेटिंग को अनेबल करना होगा। बैटरी लिखा होगा ऊपर में देख रहे हैं बैटरी सेवर, इसको भी अनेबल कर देना होगा। ये दो सेटिंग आप अनेबल कर लेते हैं तो आपकी मोबाइल की 100% जो बैटरी है आपकी लंबे समय तक चलने लगेगा, आपको यकीन भी नहीं होगा। आप खुद ट्राई करके देखिएगा ये सेटिंग को ऑन करने के बाद जो पहले कितना चलता था और ये सेटिंग अनेबल करने के बाद अब कितना चल रहा है। क्योंकि दोस्तों ये सेटिंग जो है बहुत ही कमाल की है। जैसे कि दोस्तों ये मैंने सेटिंग ओपन किया और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ और देख सकते कि यहाँ पे मैंने इस सेटिंग को थोड़ी देर के लिए मैंने बंद किया हूँ और यहाँ पे ऐप रनिंग देख रहे हैं 3% यहाँ पे चल रहा, सिस्टम देख रहे 1% और सारी की सारी यहाँ पे 0-0 बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग को थोड़ी देर के लिए मैंने अनेबल कर दिया था। और दोस्तों आप सोच रहे कि भाई इसे सेटिंग को अनेबल करने से मेरे मोबाइल की नोटिफिकेशन है वो आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों आपके मोबाइल की जो नोटिफिकेशन है वो 100% आएगा, क्योंकि मैं इस सेटिंग को ऑन करने के बाद मेरे तो नोटिफिकेशन आ रहा था और आपके फ़ोन के भी आना चाहिए और आएगा भी। तो दोस्तों बस ये था आप सभी को बताना था यही सीक्रेट सेटिंग के बारे में, जिससे कि अपने मोबाइल की बैटरी बैकअप को लंबे समय तक आप बचा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बस ये था आप सभी को बताना था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि आपके फ्रेंड को भी पता चले कि कैसे बैटरी बैकअप को बचा सके। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो घंटी आइकन होगा ना उसे भी दबा दीजिएगा इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और कमेंट बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और एक्साइटेड वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।